मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये लगातार ये बिल बन के क्यों आ रहा है? अगर आपको पता है कि पीक अवर्स में गर्मी के महीने में बिजली महंगी मिलेगी, तो फिर नवंबर दिसंबर में एग्रीमेंट करके सस्ती बिजली क्यों नहीं खरीदी जाती? और ये तो 37.75 है, अब जो नई चिट्ठी आई है उसमें 8.75% बढ़ाने की अनुशंसा कर दी गई है। अब ये पीपीएसी बढ़कर 45% से ऊपर होने वाला है। और ये पीपीएसी के पैसे दिल्ली की जनता क्यों दे? और उसके साथ साथ ये एक गोलधारा और देख लीजिए, ये है पेंशन ट्रस्ट। बिजली कंपनियों के जो एम्प्लाई रिटायर होते हैं उनको पेंशन देने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? उस बिजली कंपनी की या दिल्ली सरकार की? दिल्ली सरकार की। लेकिन बिल में 2015 में पेंशन चार्जेस था 1%, अब लग के आ रहा है 7%। वो पैसे भी आपके और हमारी जेब से जा रहे हैं। अरे कमाई तुम करोगे, तुम्हारी रिटायरमेंट के पैसे साले हम। कमाई बिजली की कंपनी कर रही है, कमाई बिजली की कंपनी करेगी, कमीशन अरविंद केजरीवाल आतिश मारेंगे ना खाएंगे, लेकिन जेब पे डाका आपकी डालेंगे, जेब की डाका दिल्ली की जनता पे डालेंगे। वो ईमानदार कंज्यूमर जो मेहनत मजदूरी करके भैया आंदोलन करने आयो ना, आंदोलन करने आयो, आंदोलन करने आए हो, दोनों हाथ उठा के बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जेल के बाहर थे तो भी दिल्ली को लूट रहे थे, और अब जेल के अंदर से लूट रहे। दोस्तों ये बिजली का बिल अरविंद केजरीवाल कहा करते थे बिजली हाथ पानी माफ, पानी ऐसा माफ किया कि पूरी दिल्ली एक एक बूंद को तरस गई पानी पीने को नहीं। और बिजली हाथ का जो खेल है वो आज इन सब मेरे भाई बहनों को समझना पड़ेगा। जो दिल्ली का ईमानदार कंज्यूमर है, हर वो आदमी जो बिजली का बिल भर रहा है, आज उसको अपना बिल देखने की जरूरत है। उस बिल में सीधा सीधा डाटा अरविंद केजरीवाल उसकी आम आदमी पार्टी की सरकार डाल रही है। जितने का बिल है उससे 1.5 गुना पैसा आम आदमी पार्टी और बिजली कंपनी की जेब में जा रहा है। और इसके पीछे की कहानी बताता हूँ, आप ये बिल देखिए, इस पे लिखा हुआ है पीपीएसी ऑन फिक्स्ड चार्जेस। जब शीला दीक्षित की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिजली की दरों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय की कांग्रेस सरकार ने बिजली दरें ना बढ़ाकर 1.5% पीपीएसी लगाया था ताकि हमें यूनिट ना बढ़ानी पड़े लेकिन हमारा काम चल जाए। 2014 अगस्त में जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा, इस बात को नोट कर लेना सब लोग, 2014 में अगस्त के महीने में जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा
उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, उन्होंने आरडब्ल्यूएस के साथ मिलकर इस पीपीएससी के खिलाफ एक आंदोलन चलाया और केंद्र सरकार में हमारे ऊर्जा मंत्री उस समय श्रीमान पीयूष गोयल थे, उनसे संपर्क किया और पीयूष गोयल जी ने उस पीपीएससी को समझा और ये तय किया कि बिजली के बिलों पर पीपीएससी नहीं लगेगा और वो पीपीएससी हटा दिया गया। सिर्फ केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी की सरकार और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के कारण पीपीएससी हटा दिया गया। सितंबर 2015 में दिल्ली की सरकार में इस भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल का आगमन होता है, जो पीपीएससी 1.5% था उसको धीरे 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 बढ़ाया जाता है और आज वो पीपीएससी 37.75% ये जुलाई का बिल है, 37.75% पीपीएससी बढ़ा दिया जाता है और ये कहते हैं कि हम तो जब गर्मी होती है बिजली महंगी खरीदनी पड़ती है, एग्रीमेंट करके सस्ती बिजली क्यों नहीं खरीदी जाती, और ये तो 37.75 है। अब जो नई चिट्ठी आई है उसमें 8.75% बढ़ाने की अनुशंसा कर दी गई है, अब ये पीपीएससी बढ़कर 45% से ऊपर होने वाला है। ये पीपीएससी के पैसे दिल्ली की जनता क्यों दे, और उसके साथ साथ ये एक गोलधारा और देख लीजिए, ये है पेंशन ट्रस्ट। बिजली कंपनियों के जो एम्प्लॉई रिटायर होते हैं उनको पेंशन देने की जिम्मेदारी किसकी है, जोर से बोलो किसकी है, उस बिजली कंपनी की या दिल्ली सरकार की। लेकिन बिल में 2015 में पेंशन चार्जेस था 1%, अब लग के आ रहा है 7%, वो पैसे भी आपके और हमारी जेब से जा रहे हैं। अरे कमाई तुम करोगे, तुम्हारी रिटायरमेंट के पैसे साले हम करोगे। कमाई बिजली की कंपनी कर रही है, वो ईमानदार कंज्यूमर जो मेहनत मजदूरी करके बिजली का बिल ईमानदारी से भर रहा है। पार्टी की सरकार का केजरीवाल का मैकेनिज्म समझिए, ये वो आधुनिक लुटेरे हैं। हम बीहड़ में सुनते थे डकैत होते हैं, लेकिन ये दिल्ली में ऐसा डकैत है जो अपनी कलम से लूटने का काम करता है। शराब नीति, ये अपनी कलम से दिल्ली की जनता को लूटने और ठगने का इंतजाम करता है। शराब नीति इसलिए बदली कि उसमें कमीशन मिल सके, पैसे कमा सके, और कमाए भी इसलिए वो भुगत भी रहा है। लेकिन ये जो बिल का मामला है ये तो सीधा सीधा मेरे गरीब भाई बहन, मध्यम वर्ग के भाई बहन या जो कोठी में भी रहता है उनकी जेब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जाने। तो ऐसी सरकार को बने रहने का हक है क्या? ऐसी सरकार को बने रहने का हक है क्या? केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, अगर उसकी आंखों में पानी होता, इतनी गैरत होती
तो जेल जाते ही इस्तीफा दे देता, वो तो कह रहा मैं जेल से सरकार चलाओ। जेल में बैठे बैठे भी, जेल में बैठे बैठे भी 8.75% पीपीएससी बढ़ा दिया, इसलिए कि बाहर से तो लूटेंगे, जेल से भी लूटेंगे, जेल से भी लूटेंगे, जेल से भी लूटेंगे। लेकिन हम सब का कर्तव्य यह है कि अब इन लुटेरों से इस्तीफा नहीं मांगना, अब इन लुटेरों को दिल्ली से बाहर का रास्ता, दिल्ली से बाहर का रास्ता, दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए क्या करना। आज हम यहाँ बिजली के बिलों की होली जलाएंगे, आज हम यहाँ बिजली के बिलों की होली जलाएंगे, लेकिन आप सबसे मेरा निवेदन है, दिल्ली का कोई बड़ा चौराहा मत छोड़ना, दिल्ली कोई गली मत छोड़ना, जहाँ बिजली के बिलों के बड़े बड़े होर्डिंग लगाओ, ऐसे अंडरलाइन करके दिखाओ कि ये है पीपीएससी और ये है पेंशन सरचार्ज जो अरविंद केजरीवाल की जेब में जा रहा है। लगाएंगे, लगाएंगे, अरविंद केजरीवाल की साजिश है ये, सीधा सीधा एक बिजली के बिल पे 50% कमीशन खाने की साजिश है, अपना जेब भरने की साजिश है, और इसीलिए इन बिलों को लेकर गली गली हर घर का दरवाजा खटखटा रहा है और उनसे कहने की अपना बिल दिखाइए और बिल में समझाइए कि ये है वो टैक्सेस, ये है वो चार्जेस जो अरविंद केजरीवाल चोरी छुपे आपकी जेब से निकाल रहा है, ये पैसे आपकी बच्चों की शिक्षा पर खर्च हो सकते थे, ये पैसे आपके बच्चों को भविष्य बना सकते थे, ये पैसे बच्चों के इन्वेस्टमेंट में आ सकते थे, उनकी पढ़ाई में काम आ सकते थे, लेकिन ये पैसे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जेब में जा रहे हैं, और इसीलिए जरूरी है कि इस आंदोलन को आप घर घर लेके जाना, पानी की मार है और बिजली बिल की भी मार है, ये दो मारे आम आदमी पार्टी की कमर तोड़ रही है, हर गरीब आदमी को पहले से ज्यादा और गरीब कर रही है, उनके भूखे पेट पे लात मारने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहा है। अब ये देखिए, ये बहन हमारी, ये बहन हमारी 25,000 रुपए का बिल लेकर आई है। अच्छा इसमें भी कहानी सुन लो, अब बिल एक महीने का नहीं आता, 28 दिन का, अब बिल एक महीने का नहीं आता, आप अगर खुश हो रहे तो एक महीने का आता है, चार्जेस तो पूरे ले रहे हैं लेकिन बिल कर दिया 25 दिन का जो साइकिल है। अब इस 25,000 में जो पीपीएसी है वो देख लीजिए, वो है 14,000 रुपए तो पीपीएसी है, और जो पेंशन का है पेंशन के हैं 1,111। अब आप समझ लो 25,000 में से 15,000 रुपए ये पैसे इन बहन जी के बच सकते थे, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल लूट के ले गया। इसका एक्चुअल बिजली का बिल 10,000 रुपए है, 15,000 रुपए उनकी जेब में चले गए बिजली कंपनी की और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की जेब। ये एक घर का एक फ्लोर है, ऐसे चार फ्लोर है। तो अब इस षड्यंत्र को दिल्ली की जनता को बताओगे कि नहीं बताओगे, बताओगे कि नहीं बताओगे, बताओगे कि नहीं बताओगे। ये षड्यंत्र भी बताना है, इन बिजली के बिलों की घोली आज हम यहाँ जला रहे हैं, आपको हर मोहल्ले में जलानी है और दिखाना है कि अरविंद केजरीवाल इन बिजली के बिलों को तो कहता था 200 यूनिट माफ देगा, तूने 200 यूनिट माफ तो क्या करना है, तूने तो 1,000 रुपए की डकैती दिल्ली की जनता की जेब पर डाल। ये है अरविंद केजरीवाल का खेल, ये है अरविंद केजरीवाल का खेल कि पैसे कैसे कमा रहे हैं, कैसे दिल्ली की जनता को लूटना है। अब उसका इस्तीफा नहीं मांगना, अब रवानगी कर दो, आखिरी सांसें ले रहा है, सिर्फ एक ठोकर, मुझे लग रहा है 91-92 वाला नारा भूल गए, एक झटका और देना है, और मैं आज आपसे कह रहा हूं कमर कस लेना, केजरीवाल दिल्ली छोड़, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार हटा देना, इन दिल्ली वालों को बिजली भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी, स्वास्थ्य भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा
ना ये पीपीएससी चार्जेस होंगे ना पेंशन चार्जेस होंगे, दिल्ली की जनता को वो सब मिलेगा जिसकी हकदार दिल्ली की जनता है। उस दिन तक जाने के लिए लगातार आंदोलन करना है, घर घर अलग जगानी है, एक एक आदमी को जगाना है, उसे बताना है कि कैसे तेरी जेब पे अरविंद केजरीवाल डाका डाल रहा है, चोरी कर रहा है। तो बोलो करोगे ना, करोगे ना? अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, केजरीवाल गद्दी छोड़ो, 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 केजरीवाल लुटेरा है, लुटेरा है, केजरीवाल लुटेरा है, लुटेरा है, लुटेरा है, केजरीवाल चोर है, नहीं भाई, ये ऊपर वाले की जो लाठी है ना उसमें आवाज नहीं होती, उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। जिन गरीब आदमियों की लूट इसने की है, जिन गरीब आदमियों को बिजली के नाम पे इसने ठगा, पानी के नाम पे इसने ठगा है, वो हाय अरविंद केजरीवाल तेरे को सोने नहीं देगी, अरविंद केजरीवाल तेरे सोने नहीं देगी। कैसे तेरे को उस शीश महल में, राजमहल में नींद आ जाती है जो जनता की गुड़ कमाई से बना है? तूने तो जनता को लूट के अपने अय्याशी का साधन ढूंढा। तो दोस्तों, इस आंदोलन को घर घर लेके जाना है, हर उस आदमी का जिसका बिल बढ़ा हुआ उसको बताना है, उसको अपने साथ जोड़ना है, और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से अलविदा, दिल्ली से अलविदा, बोला भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो संदेश दिया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, इस प्रकार के होर्डिंग काले चुराव के अंदर हर मंडल अध्यक्ष, निगम पार्षद, एमएलए, सांसद अपने अपने एरिया में लगाकर इसको बेनकाब करेंगे। अभी आगे हमारा टेम्पू है, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सागर त्यागी जी से मैं कहना चाहता हूँ, बटन को आगे चलेगा, उसके अंदर एक ड्रम रखा हुआ है, उस ड्रम के अंदर जो बिजली का बिल है उसको जलाया जाएगा और संदेश दिया जाएगा, केजरीवाल मेरे आगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झुकेंगे नहीं, केजरीवाल को डाउन कर मानेंगे, और दिल्ली की जनता की लड़ाई सत्यवाद जी के नेतृत्व के अंदर प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। सभी कार्यकर्ता और ये सदस्य के पीछे आगे तक जाएंगे, कोई भी कार्यकर्ता पीछे नहीं रहेगा हमारे बीच में। भाई अभय वर्मा जी हमारे विधायक यहाँ पर उपस्थित है, मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा आप सभी कार्यकर्ता अध्यक्ष जी के पीछे पीछे आगे चलिए, सागर त्यागी जी, युवा मोर्चे की टीम उस टेम्पो को आगे चलाकर और सारे बैरिकेड को तोड़ दीजिए, बता दीजिए कि दिल्ली की जनता के अंदर जबरदस्त गुस्सा है। क्या आपको बताना होगा, सभी कार्यकर्ता यहाँ से आगे बढ़ेंगे, कोई कार्यकर्ता पीछे नहीं रहेगा, आगे बढ़े।
Thank you.
बैरिकेड से पीछे रहिए, बैरिकेड से नीचे रहिए, बैरिकेड से तोड़ने की कोशिश नहीं कीजिए। ये गैर कानूनी है, उल्लंघन कर रहे हैं, लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ से जल्दी से जल्दी